सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा राजस्थान स्मार्ट करंट की इस सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान स्मार्ट करंट की इस सीरीज में आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो एक वर्ष में 300 दिन सोता है। इस प्रकार की प्रक्रिया उसके साथ एक गंभीर बीमारी के कारण होती है और आपके एग्जाम की दृष्टि से इस बीमारी का नाम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान के नागौर जिले से इस व्यक्ति का संबंध है और इस व्यक्ति का नाम पुरखा राम है। स्थानीय लोग इसे कुंभकर्ण के रूप में जानते हैं। आप ये कह सकते हो कि राजस्थान के कुंभकर्ण के रूप में पुरखा राम को जाना जा रहा है। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसकी बात इस लेक्चर में करेंगे। छोटा सा लेक्चर है, बीमारी के नाम पर ज्यादा ध्यान दें आप। आइए, हेडिंग डाल दीजिए पुरखा राम। सबसे पहली बात तो इनका संबंध किस जिले से है, नागौर जिले से संबंधित है। एक गांव है भादवा, उस गांव से ये संबंधित है और ये जो भादवा गांव है ये नागौर जिले में आता है। आप जानते हो नागौर जिले को हम राजस्थान का धातु नगर कहते हैं। धातु नगर के रूप में नागौर जिले को जाना जाता है। इनको जो गंभीर बीमारी है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। संबंधित बीमारी, इस बीमारी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सिस हाइपर सोमनिया, ये बीमारी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें क्या है, व्यक्ति को नींद बहुत ज्यादा आती है। पुरखा राम को भी इस संबंध में पहले कम नींद आती थी, फिर धीरे धीरे नींद का जो लेवल है वो बढ़ता गया और ये इतना बढ़ गया कि अब ये एक साल में 300 दिन सोते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, इस बीमारी में नींद बहुत आती है, नींद बहुत आती है। और ये जो पुरखा राम है इनकी यदि वर्तमान स्थिति कहूं तो ये एक वर्ष में 300 दिन सोते हैं। सोने के दौरान ही इनके खाने पीने की प्रक्रिया होती है या इनको लिक्विड में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था इनके परिवार ने कर रखी है। उनके परिवार वालों के अनुसार उनकी सारी दिनचर्याएं जो होती है नींद में ही होती है। ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, विशेष रूप से यह बीमारी। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो बीमारी है इस पर किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएगा। एक तो आपसे पूछा जाएगा एक्सिस हाइपरसोमनिया बीमारी में क्या होता है या किससे संबंधित है, तो इसमें क्या है, नींद बहुत ज्यादा आती है। दूसरा आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में राजस्थान के पुरखा राम चर्चा में रहे, उनका संबंध किस बीमारी से है, क्योंकि आप आरपीएससी के जब पुराने पेपर को देखते हो तो इस प्रकार की झलकियां आपको वहां पर मिलेगी। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इस संबंध में पुरखा राम को जो स्थानीय लोग हैं ये राजस्थान का कुंभकर्ण कहते हैं, कुंभकर्ण कहते हैं। आप जानते हो कि रामायण में जो कुंभकर्ण थे उनका संबंध भी इस नींद की घटना ही सही था, उनको तो अलग कारणों में माना जा सकता है, लेकिन पुरखा राम जी का जो संबंध है वो एक्सिस हाइपरसोमनिया बीमारी के कारण है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें।
तो दोस्तों आज हमने राजस्थान के कुंभकर्ण पुरखाराम पर चर्चा की। इस संबंध में बीमारी महत्वपूर्ण बन जाती है। इस छोटे से लेक्चर में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बताने का बखूबी प्रयास किया है। मेरा प्रयास, यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इजाज़त चाहूँगा, आप सभी को मेरा नमस्कार।